नमस्कार, जय हिंद। तो सबसे पहले हम बात करने वाले एटू मोटिवेशन के अरविंद अरोरा के बारे में। तो अरविंद अरोरा के अगेंस्ट में यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सो क्या था, अरविंद अरोरा अपने एटू मोटिवेशन वाले यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, जहां पर उन्होंने कुछ फोटोज एंड वीडियोज वगैरह यूज कर लेते जो कि शायद से उन्होंने गूगल वगैरह से डाउनलोड किए होंगे। जिनके उन्होंने फोटोज एंड वीडियोज वगैरह यूज किए, उन्होंने उनके अगेंस्ट में यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो सबसे पहले यहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो। गाइस, यूपी के सैद नगर से एक अजीब सा वाक्या सामने आया, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। जी हाँ गाइस, यूपी के सैद नगर में एक दूल्हा अपनी शादी के बाद अचानक से सुहाग रात वाले दिन घर से गायब हो गया। अब घर वाले घबरा गए कि आखिर दूल्हा गया तो गया कहाँ, ऊपर से उसका फोन भी बंद आ रहा था। इसलिए दूल्हे के परिवार ने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से उसे ढूंढने के लिए कहा, और खुद भी ढूंढते ढूंढते कोसों दूर निकल गए। और इस तरह पूरी रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन दूल्हे का कहीं भी पता नहीं लगा। अब दूसरे दिन जब सुबह हुई और उस दूल्हे का फोन चालू हुआ, तो कॉल करने पर पता चला कि वो शर्म की वजह से पड़ोसी के घर में जाकर छिप गया था। मतलब कि दूल्हे को सिर्फ इस बात की शर्म थी कि वो सुहाग रात कैसे बनाएगा, ये उसे पता ही नहीं था। और इसके लिए उसने सारे घर वालों को, इनफैक्ट अपनी नई नवेली दुल्हन को भी परेशान कर डाला। और अब दुल्हन भी ये सोच रही होगी कि क्या गजब का दूल्हा मिला। एंड देन इसको लेकर यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर जनरली आर्टिकल्स वगैरह में यही बताया जा रहा है कि अब आपने शॉर्ट वीडियो देखा, वहां पर उन्होंने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया था, उनकी फोटोज एंड वीडियोज को गलत तरीके से यूज किया, जिसको लेकर उन दोनों ने यहाँ पर उनके अगेंस्ट यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर दी एटू मोटिवेशन के अगेंस्ट। बाकी उन सारा आर्टिकल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। इसको लेकर अरविंद अरोरा का अभी तक कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आया, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आता है मैं आप सभी के साथ में जरूर से शेयर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात करें आलिया भट्ट एंड कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में, जो कि इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो ना, इंस्टाग्राम पे एक पेज है ई टाइम, जो कि अपने पेज पे जनरली बॉलीवुड न्यूज वगैरह शेयर करते हैं। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जहां पर आलिया भट्ट का अपार्टमेंट था ना, उसके सामने वाली बिल्डिंग पे गए, सबसे ऊपर में टेरिस में, देन आलिया भट्ट की यहाँ पर उन्होंने फोटोज वगैरह क्लिक कर ली थी टेरिस के ऊपर से, देन उनकी फोटोज को यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दिया था। एंड देन ये चीज काफी सारे सेलिब्रिटीज को, आलिया भट्ट को बिल्कुल भी अच्छी लगी, इसको लेकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अपने हिसाब पर एक स्टोरी शेयर की थी उन्होंने। उन्होंने यहाँ पर लिखा, आर यू किडिंग मी, आई वाज एट माय हाउस हैव अ परफेक्टली नॉर्मल आफ्टरनून सिटिंग इन माय लिविंग रूम। यहाँ पर उन्होंने जनरली यही बताया कि यहाँ पर दो लोग उनकी नेबर जो सामने वाली बिल्डिंग थी वहां पर गए, कुछ कैमरा स्लाइड्स वगैरह थी उनके पास में, उनकी फोटोज वगैरह क्लिक की, यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट कर दिया। मतलब किसी को भी यहाँ पर प्राइवेसी की कुछ भी पड़ी नहीं है। अब वो जो ना अपने खुद के अपार्टमेंट में भी सिक्योर नहीं, वहां पर खुद को भी उनको यहाँ पर प्राइवेसी नहीं मिल रही है। यहाँ पर उन्होंने मुंबई पुलिस को यहाँ पर टेक किया, उन दोनों के अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहा। इसी को लेकर और भी काफी सारे सेलिब्रिटीज ने स्टोरी वगैरह शेयर की, जैसे कि अर्जुन कपूर ने शेयर की थी, ठीक है, अनुष्का शर्मा ने शेयर की थी, और भी काफी सारी स्टोरीज वगैरह जो कि आप देख ही सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, बात करें उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद यार ओला के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है, इसी को लेकर अपने हिसाब पर स्टोरी शेयर की, जहां पर बताया कि उन्होंने एक ओला का कैब बुक किया था, जिसके बाद क्या उनका जो ड्राइवर था ना काफी ज्यादा ड्रिंक किया हुआ रहता है, उनको वो छोड़ के चला जाता है, उनका सामान लेके चला जाता है, तो उनके साथ काफी ज्यादा बुरी तरीके से मिसबिहेव वगैरह करता है। स्टोरी वगैरह भी आप देख ही सकते हो। सो आई हैड अ रियली बैड एक्सपीरियंस विद ओला टुडे। मैंने उबर बुक करी थी एंड हमने एक जगह रुकवाया था, मैंने उसको थोड़ा 6 घंटे के लिए बुक करी थी, तो वो बंदा फिर गायब हो गया मेरा सामान लेके, ही वैनिश्ड। एंड आई एम लाइक, क्या है, मैं उसको कॉल कर रही हूँ कि प्लीज आ जाओ प्लीज आ जाओ, और उसकी लोकेशन दिखा रहा है कहीं 1 घंटा दूर, वो गायब हो गया सामान लेके, एंड देन ही इज नॉट इवन मूविंग, वो सामान लेके वापस भी नहीं आ रहा, मेरी फ्लाइट मिस हो रही थी। देन मैंने एक मेल फ्रेंड को कॉल किया, फिर जब उसको किसी आदमी ने बात करी, देन ही गॉट स्कैर्ड कि किसी आदमी की आवाज़ आ रही है, लड़की की आवाज़ पे तो वो डर ही नहीं रहा था। फिर देन ही केम बैक 1-1.5 घंटे बाद मेरा सामान लेके, ड्रंक लाइक एनीथिंग, ही वाज इन, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक, एंड देन पता नहीं वो क्या कर रहा था। लाइक उबर, योर सेफ्टी इज, इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स टू ट्रैवल इन उबर इन दिल्ली, not at all। अच्छा, ओला के बारे में बात हो गई, बात कर लेते हैं ओला उबर एंड रैपिडो के टू व्हीलर टैक्सी सर्विसेज के बारे में। सबको पता होगा टू व्हीलर टैक्सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है ओला उबर एंड रैपिडो। सो क्या इन तीनों की टैक्सी सर्विसेज को यहाँ पर मतलब कि दिल्ली के अंदर में बैन किया जाने वाला है। यहाँ पर इसको लेकर कल से काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओला उबर एंड रैपिडो तीनों की यहाँ पर जो टू व्हीलर सर्विसेज रहती है उनको साथ से बंद कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है कि ये जो सही ढंग से रूल्स को फॉलो नहीं करते, काफी सारे रूल्स को ब्रेक करते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी काफी ज्यादा होते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह, यहाँ पर काफी सारे लोगों के मिक्स रिव्यू भी आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इससे काफी सारे लोगों की जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो यार, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, बात करते हैं जवान मूवी के बारे में। तो क्या जवान मूवी यहाँ पर पोस्टपोन होने वाली है? तो जिस किसी को नहीं पता मैं बता दूं, जवान मूवी पहले 2023 में यहाँ पर जून में रिलीज होने वाली है, 2 जून को। बट अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स वगैरह, जहां पर बताया जा रहा है कि जवान मूवी की अभी शूटिंग यहाँ पर खत्म नहीं है, एंड अभी उसका VFX वगैरह एंड और भी काफी सारा काम बाकी है। देन मे भी ऐसा हो सकता है जवान मूवी को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया जाए। एंड कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि उसमें हमें ना जवान मूवी
मूवी के अंदर में ऋतिक रोशन का भी कैमियो देखने को मिल सकता है। मतलब एक सॉन्ग के अंदर में यहाँ पर ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण का भी कैमियो देखने को मिल सकता है। लेकिन यार मेकर्स की तरफ से अभी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, जन आता है कोई भी अपडेट में आप सभी के साथ में जरूर से शेयर करूंगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला के अलक पांडे सर के बारे में। तो क्या फिजिक्स वाला के अलक पांडे सर यहाँ पर शादी करने वाले हैं, इसको लेकर यहाँ पर कल से काफी सारा आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिवानी दुबे जो की गर्लफ्रेंड भी थी उनकी एंड जो की जर्नलिस्ट है उनके साथ बहुत ही जल्दी शादी करने वाले। अभी यहाँ पर कोई भी डेट वगैरह कन्फर्म नहीं की है बट बता रहा है कि एक इसी मंथ के अंदर में वो साथ से शादी वगैरह करने वाले हैं। यार कंप्लीट आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बात करते हैं जावेद अख्तर के बारे में। तो उनको आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, काफी पॉपुलर राइटर एंड एक्टर है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जावेद अख्तर गए थे यहाँ पर पाकिस्तान के लाहौर में एंड वहीं पर ना एक इनकी स्पीच थी, वहां पर कुछ ऐसा बोलते थे जिसकी वजह से उनको यार अभी काफी ज्यादा मतलब अप्रिशिएट किया जा रहा है इंडिया के अंदर में। उनकी स्पीच भी यहाँ पर आप देख ही सकते हो। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम ना दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सब हम बात कर रहे हैं रचित्रू के बारे में। तो रचित्रू यार काफी सारे ऐसे स्ट्रीमर्स को लेकर यहाँ पर ट्वीट किया जो कि गेमलिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं। स्ट्रीमर्स प्रमोटिंग एंड प्लेइंग बेटिंग गेम्स ऑन स्ट्रीम, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यू एंड आई थिंक यू हैव सेल आउट। आई मीन हाउ कैन यू प्ले कैसीनो एंड फेक बेटिंग गेम्स फॉर स्ट्रीम फॉर मनी। उनका यही कहना है कि जो स्ट्रीम पे काफी सारे लोग ने यहाँ पर प्रमोट करते हैं, काफी सारे गेमलिंग एप्लीकेशन को वहाँ पर खेलते हैं, ठीक है, फेक कैसीनोस एंड गेमलिंग वगैरह, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की। बात करते हैं शिमला के रहने वाले एक बंदे के बारे में। तो क्या इन्होंने बीट लगाई थी 1.12 करोड़ की एक स्कूटर के प्लेट के लिए, ठीक है। यहाँ पर स्कूटर की जो नंबर प्लेट रहती है उसमें इनको यूनिक नंबर चाहिए। यहाँ पर नंबर आप देख सकते हो, तो कौन सा नंबर उन्होंने लिखा, HP9949, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने स्कूटर के नंबर की ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ का यहाँ पर ऑलमोस्ट उन्होंने बीट लगाई है। भाई इतने में तो कितनी स्कूटी वो खरीद लेता। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात करें द कश्मीर फाइल मूवी के बारे में। तुमको बताओ द कश्मीर फाइल फिल्म में यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने क्या क्या तकदूस्त तकलीफें यहाँ पर पहले झेली, इसके बारे में बताया जाता है। देन अभी क्या होना, इसी को लेकर यहाँ पर ट्विटर पे किसी ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने यहाँ पर लिखा, आफ्टर अर्निंग 350 करोड़ का कलेक्शन कश्मीर फाइल ने नाउ गिवन दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मीनवाइल द कश्मीर पंडित आर प्रोटेस्ट फ्रॉम लास्ट 300 डेज फॉर देयर पेंडिंग सैलरीज एंड लाइफ सिक्योरिटीज। यहाँ पर जनरली ये बताया कि जो जिन्होंने मूवी को बनाया उनको यहाँ पर अवार्ड दिए जा रहे हैं, बट जिनके लिए मूवी बनाई थी ना कश्मीरी पंडित, वो अभी के लिए अपनी सैलरी के लिए यहाँ पर पिछले 300 दिन से यहाँ पर लड़ रहे हैं। ट्वीट को यहाँ पर रीट्वीट करते प्रकाश राजू, आपको पता होगा साउथ के काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया, दिस इज कश्मीर फाइल 2023 जस्ट आस्किंग। बस सर आज के लिए इतनी अपडेट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।